विधायक, मंत्री और फिर सीएम। सिर्फ 4 सालों में आतिशी बन गई दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। दिल्ली के राजनीतिक खेमे में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लगाए जा रहे कयासों पर विराम लग गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कर दी गई है, जिसमें आतिशी के नाम पर मुहर लगी है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में अभी तक 7 मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें से 2 महिला मुख्यमंत्रियों ने सीएम की कुर्सी संभाल चुकी हैं। आतिशी दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री होंगी और महिलाओं की सूची में तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। ऐसे में ये सवाल बनता है कि आखिर आतिशी कौन है। आतिशी मार्लेना सिंह का जन्म 8 जून 1981 दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दंपत्ति विजय और तृप्ति सिंह के यहाँ हुआ था। आतिशी का पूरा नाम आतिशी मार्लेना सिंह है। आप पार्टी में आतिशी कालका जी से विधायक हैं। आतिशी का प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के पूसा रोड स्थित स्प्रिंगडेल स्कूल में हुई। साल 2001 में उन्होंने डीयू के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई। विदेश से पढ़ाई करने के बाद वह भारत लौटी। यहाँ लौटने के बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक ऋषि वैली स्कूल में काम किया। साथ ही वह एक गैर सरकारी संगठन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ भी जुड़ी रही। आप पार्टी के गठन के समय से ही इससे जुड़ी रही हैं वो। साल 2013 में उन्होंने पार्टी के लिए नीति निर्धारण का काम किया। साल 2015 में उन्होंने आप नेता की ओर से मध्य प्रदेश में चलाए गए जल सत्याग्रह में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आप पार्टी की ओर से आतिशी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उतारा गया, जहां उनका मुकाबला बीजेपी नेता गौतम गंभीर से था। हालांकि इस चुनाव में वह 4 लाख से अधिक वोटों के साथ हार गई। 2020 में विधानसभा चुनाव में कालका जी से उतारा फिर। यहां उन्होंने बीजेपी नेता को 11,000 से अधिक मतों के साथ हराया और विधानसभा में अपनी सीट पक्की की। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के साथ साथ पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में काम कर रही हैं। आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का खास माना जाता है। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दिल्ली को नया कप्तान मिल गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सीएम का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, भाग्य नहीं बदलने वाला। वहीं भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बड़ा दावा किया है कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के कंट्रोल में है और उन्हीं के कहने पर आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाया गया है। वहीं आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाए जाने पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि ये दिल्ली के लिए बहुत दुखद है। उनके परिवार ने आतंकी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। उन्होंने आम आदमी पार्टी के इस फैसले को दिल्ली के लिए दुखद बताया है। दिल्ली के नए सीएम की तो घोषणा कर दी गई है, पर मुद्दा यह है कि क्या आतिशी दिल्ली के सीएम के रूप में इतनी बड़ी भारी जिम्मेदारी संभाल पाएंगी। आतिशी को सीएम बनाना क्या अरविंद केजरीवाल का खुद का निर्णय है या किन्हीं राजनीतिक और या फिर किसी और वजहों की वजह से, जिनका खुलासा वो नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने आतिशी को सीएम बनाया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के आज के इस्तीफे के बाद आतिशी सीएम पद की शपथ लेंगी। दिल्ली की राजनीति में और क्या नया मोड़ आएगा, पब्लिक एशिया आपको त्वरित इस पर अपडेट करेगा। तब तक के लिए जुड़े रहें पब्लिक एशिया न्यूज़ के साथ।